सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, बॉलीवुड का वो बड़ा सितारा जो हमारे बीच नहीं है, और इस वाक्य को एक साल होने को आया है, लेकिन आज भी इस बात पर विश्वास कर पाना काफी मुश्किल है। वो बड़ा सितारा जिसने छिछोरे जैसी फिल्म की थी, जो काफी फ्री माइंडेड थे, उन्होंने खुद की ही हत्या करने का निर्णय क्यों लिया। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि जो सुशांत सिंह राजपूत है, उन्होंने सोशल मीडिया पर जो आखिरी पोस्ट शेयर की थी, उसमें उन्होंने जीवन खत्म होने की बात क्यों कही थी। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। पहले हम आपको ये बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून यानी आज ही के दिन पिछले साल 2020 में अपनी मुंबई के बांद्रा के फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने खुद को ही फांसी लगा ली थी, और ये बात जब सोशल मीडिया पर फैली, या ये कहें कि जब ये बात लोगों में फैली, तो लोग काफी ज्यादा भावुक हो गए। लोगों ने जस्टिस फॉर SSR की मांग कर ली। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की वजह खुलकर सामने नहीं आई है। सुशांत सिंह राजपूत हैं, वो अवसाद से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उन्होंने खुद की ही हत्या करने, या ये कहें कि उन्होंने आत्महत्या का निर्णय क्यों ले लिया। चलिए आपको बताते हैं कि सुशांत ने अपनी लास्ट पोस्ट में अपनी माँ के लिए क्या कहा और उन्होंने जीवन खत्म होने की बात क्यों कही। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि आंखों के आंसुओं से धुंधला अतीत भाप बनकर उड़ रहा है, कभी खत्म ना होने वाले सपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर रहे हैं, और एक क्षण भंगुर जीवन इन दोनों के बीच बातचीत कर रहा है माँ। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 4 बहनों में इकलौते भाई थे। उन्हें बहनों का और पापा का तो प्यार मिला, लेकिन माँ का प्यार मिल ही नहीं पाया। उनकी माँ, जब सुशांत सिंह राजपूत 15 से 16 साल के थे, तब ही उनकी माँ चल बसी, और वो अपनी माँ को काफी ज्यादा मिस करते थे। पहले तो सुशांत की इस पोस्ट को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन जब बाद में उनकी मृत्यु के बाद ये पोस्ट फिर से पढ़ी गई, तो ऐसा लग रहा है कि मानो सुशांत सिंह राजपूत अपनी माँ से वो बातें कर रहे हों जो बातें कोई और नहीं समझ पाया, या ये कहें कि कोई और समझ ही नहीं सकता। वो अपनी माँ से मिलने की बात कर रहे हों, ऐसा इस पोस्ट में लग रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो उनकी लास्ट फिल्म जो दिल बेचारा थी, वो उसकी रिलीज भी नहीं देख पाए थे। वो दिल बेचारा रिलीज तो हुई, वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई, लेकिन जब लोगों ने, जब फैंस ने वो फिल्म देखी, तो लोग काफी ज्यादा भावुक हो गए, क्योंकि उसमें आखिर में कुछ ऐसा सीन था जिसे देखकर वो ऐसा लग रहा था कि वो रियलिटी जैसा ही सीन हो। आज सुशांत सिंह राजपूत की डेथ एनिवर्सरी है, और इस मौके पर हम जस्टिस फॉर SSR की मांग करते हैं। हम यही चाहते हैं कि उस बॉलीवुड सितारे को न्याय जरूर मिले। आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।